लद्दाख में 7 महीनों से जारी भारत और चीन विवाद का कोई हल नहीं निकल सका है। सर्दियों के मौसम में यहां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में दोनों देशों के जवान तैनात हैं। दोनों देश सर्दियों से पहले ही बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश में लगे थे और इसलिए दोनों पक्षों के बीच 8 बार कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लिहाजा -20 डिग्री के तापमान में भी दोनों देशों के जवान यहां जमे हुए हैं। दरअसल चीन इस बात पर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले पैंगोंग झील चुशूल के दक्षिण किनारे से सेना की वापसी शुरू हो। बता दें कि यहां भारतीय सेना चीन पर भारी है। अहम चोटियों पर भारत के जवान यहां 30 अगस्त से मौजूद हैं। वहीं भारत का कहना है कि सेना को पीछे भेजने का काम पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से शुरू होना चाहिए, जहां चीन की सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच एक हिस्से पर मौजूद है। यहां उसके जवान मई के शुरुआती दिनों से हैं। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।